शिवभक्ति का पवित्र महीना सावन की शुरुआत होते ही श्रद्धालुओं का हरिद्वार जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुविधा को देखते हुए कांवड़ यात्रा के लिए 250 बसें चलाने का प्रबंध किया गया है। ये बस गाजियाबाद, कौशाम्बी समेत बुलंदशहर, खुर्चा स्टेशन से चलाई जाएगी। कांवड़ यात्रा के नोडल अधिकारी NK वर्मा ने बताया कि श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए एक बस हरिद्वार के लिए रवाना भी की गई है। जैसे जैसे श्रद्धालु आते जाएंगे उनके लिए बसों की व्यवस्था कर उन्हें हरिद्वार भेजा जाएगा। नोडल अधिकारी ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान शासन के निर्देश अनुसार श्रद्धालुओं से सामान्य शुल्क वसूला जाएगा। पूरे क्षेत्र में गाजियाबाद क्षेत्र के सभी डिपो से 250 बसों का आवंटन किया गया है। इसमें कांवड़ियों की ज़्यादा भीड़ खुर्जा और बुलंदशहर, हापुड़, कौशाम्बी और गाजियाबाद बस स्टेशनों पर होती है। तो सभी डिपो से अलग अलग आवंटन किया गया है। खुर्जा से 30 गाड़ियां, बुलंदशहर से 35, सिकंदराबाद से 20, हापुड़ से 35, लोनी से 35, साहिबाबाद से 35, कौशाम्बी से 40 और गाजियाबाद से 20, टोटल 250 बसों का आवंटन किया गया है। और यदि इन बसों से पूरा नहीं होगा, कांवड़ियों की ज़्यादा भीड़ होगी, तो और बसें भी हम एज पर रिक्विजिशन अन्य डिपो से मांग लेंगे। कांवड़ियों को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी।